पहले चेक कर लिया जाता तो ऐसी घटना होने से बच जाती। कुछ फटा, कुछ टूटा और गाड़ी धड़ाम। जी हाँ, ऐसा ही कुछ आप अभी इस वीडियो में देख रहे थे। देख सकते हैं गाड़ी किस तरह से पलटी हुई है और पूरी तरह से पलटी भी नहीं। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ गाड़ी का ये हाल, जानेंगे आज के प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। एक छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान कैसे करवा सकती है आप सबका, वो आप जानेंगे आज इस प्रोग्राम में। जी हाँ, ये जो वीडियो, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लापरवाही का ही नतीजा है जिसकी वजह से ये गाड़ी इस तरह से इस हालत में नजर आ रही है। और ये कहना हमारा नहीं है, ये कहना है ओम प्रकाश का, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और कई सालों से ड्राइवरी कर रहे हैं। उनका तजुर्बा कह रहा है कि ये लापरवाही है। मेरा नाम ओम प्रकाश ड्राइवर है। ये गाड़ी मथुरा से, बठिंडा से फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के लिए जा रही थी और टाइम से न रिपेयरिंग कराने के कारण ये गाड़ी में घटना हुई है। थोड़ी लापरवाही के कारण ही 5 लाख से ऊपर का नुकसान हो गया है। इसमें पूरा टैंक खत्म है। सुन लिया आपने, अभी हाल ही में ये घटना हुई। ये गाड़ी ओम प्रकाश ड्राइवर के साथी ड्राइवर लेकर जा रहे थे। जिस कंपनी में ओम प्रकाश लगे हैं उसी में वो भी काम करते हैं, जयदीप बल्क कैरियर कंपनी का नाम उन्होंने बताया। उनका कहना है कि बठिंडा से फिरोजाबाद के लिए वो लुक यानी कि विटामिन लेकर निकले थे। जी हाँ, जिससे सड़क बनती है, हो सकता है आपके यहाँ इसे कोई और नाम से पुकारा जाता हो। महिंद्रा की ये गाड़ी है 14 चक्का, 6 साल पुरानी ये गाड़ी है। अब लापरवाही ड्राइवर ने क्यों कही या क्यों बताया हमें कि ये लापरवाही है जिसकी वजह से ये हुआ, वो भी सुन लीजिए। टैंक की रकावट टूटने से, पहिए की रकावट टूटने से गाड़ी पलटी है, थोड़ी लापरवाही। पहले चेक कर लिया जाता तो ऐसी घटना होने से बच जाती। दरअसल यहाँ पर ड्राइवर ने बताया कि रकाब या यू बोल्ट उन्होंने नाम लिया, कि यहाँ पर इसको अगर सही समय पर दिखा लिया जाता मैकेनिक को या रिपेयर करवा लिया जाता तो ये हादसा ना होता। देख सकते हैं गाड़ी किस तरह से पलटी हुई है, टायर भी धसे हुए नजर आ रहे हैं सड़क पर, और नीचे से जो गाड़ी का हाल दिख रहा है वही बता देगा कि इसमें कितनी लापरवाही बरती गई है। जगह जगह जंग नजर आ रहा है लोहे पर। ऐसे में गाड़ी कमजोर हो गई, कमानी टूट गई और ये गाड़ी वहीं पर पलट गई। ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ पर वजन भी ज्यादा लोड नहीं कर रखा था, लेकिन वो जो लापरवाही हुई है समय पर ना दिखाने की वजह से, उसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोग इस बात को बेहतर समझ सकते होंगे कि यहाँ पर क्या नुकसान हुआ और क्यों हुआ। हमने ओम प्रकाश से ही पूछ डाला कि आप ये तो कह रहे हैं कि लापरवाही है, अब ये नुकसान कितने का है जरा ये भी बताइए। तो उन्होंने बताया कि नुकसान बहुत बड़ा है। सबसे पहले तो गाड़ी पलटी, कमानी टूट गई, ड्राइवर की जान को खतरा हुआ, और दूसरी बात कि समय पर अगर इसे दिखा लिया जाता तो मात्र 10 से 15 हजार रुपए गाड़ी में लगते और गाड़ी सेट हो जाती। लेकिन अब जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा है। अब इनका कहना है कि गाड़ी की जो बॉडी टूट गई है उसकी वजह से तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए खर्चा आ सकता है, ऐसा इनका मानना है। इसके अलावा हादसे वाली जगह पर गाड़ी 2 दिन पड़ी रही, क्रेन को बुलाना पड़ा, माल को पलटी करना पड़ा, कुछ माल तो खराब हो गया, कुछ माल उठाया गया, यानी कि कितना बड़ा यहाँ पर एक लापरवाही की वजह से घटनाक्रम हुआ। ड्राइवर सुरक्षित है, ड्राइवर की जान बच गई, लेकिन ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है इससे बचा जा सकता था। और दोस्तों, ये ट्रांसपोर्ट जगत का जो बिजनेस है ना, ये ऐसा है कि इसमें जरा सी चूक जान पर बात ले आती है। इसीलिए कभी भी अपनी गाड़ी को दिखाने में या उसको सेट करवाने में, उसको रिपेयर करवाने में जरा सी भी चूक ना करें। खुद ओम प्रकाश ने हमें बताया कि वो अपनी गाड़ी समय पर ही ठीक करवाते हैं ताकि कभी कोई ऐसा नुकसान ना हो। गाड़ी की ब्रेक, गाड़ी की कमानी, लुब्रिकेशन, एक एक नट बोल्ट समय समय पर चेक करवाते रहिए ताकि ऐसी कोई स्थिति ना पैदा हो जाए जिसके बाद पछताना पड़े। अब इनके साथ जो घटना होनी थी वो तो हो गई, लेकिन इससे सबक यही निकलता है कि लापरवाही से बचे। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो आप भी अपनी वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं, अपना तजुर्बा शेयर कर सकते हैं इस कमेंट सेक्शन में लिखकर। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Facebook और Twitter पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैं अपने गाड़ी का बीमा जो है ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया था। मेरी गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई थी जिसका जो है पूरा पेमेंट हमको
मेरे अकाउंट खाते में आ गया था। सभी गाड़ी मालिक या ड्राइवरों से अनुरोध करता हूँ कि ट्रांसपोर्ट माल से ही बीमा करावें। धन्यवाद।